पीएम नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में संयोजक के रूप में चर्चा के बीच जेडीयू ने उठाई पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग, बोले मंत्री मदन सहनी, नीतीश पहले से कर रहे अलायंस को कोऑर्डिनेट। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बिहार के शिक्षा सचिव के पाठक से डिमांड, बोले ऐसा सुधार करें कि सरकारी वेतन पाने वाले अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े। 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर सीएम नीतीश बांटेंगे नियुक्ति पत्र, 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को देंगे ज्वाइनिंग लेटर, तैयारियों में जुटा प्रशासन, 600 बसों से पटना आएंगे चयनित शिक्षक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बोधगया में लिया दलाई लामा से आशीर्वाद, लालू यादव और नीतीश कुमार को अयोध्या जाने का निमंत्रण मिलने के सवाल पर मीडिया से बोले, हमें निमंत्रण की जानकारी नहीं। छपरा में गैस पाइपलाइन में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, दमकल भी पहुंची, लेकिन गैस के रिसाव के चलते आग को काबू पाने में हो रही परेशानी, गैस सप्लाई रुकवाने के बाद बुझी आग। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में रातों रात तालाब चोरी मामले में डीएम का सख्त एक्शन, कलेक्टर ने अंचलाधिकारी और अपर समाहर्ता को दिए निर्देश, मौके पर बहाल करें 19 दिसंबर के पहले वाली स्थिति। बांका में तेज रफ्तार बस बाइक से टकराने के बाद हादसे का शिकार, पुल की रेलिंग से टकराकर बस क्षतिग्रस्त, हादसे में 17 यात्री जख्मी, धौनी रेलवे स्टेशन मोड़ के पास हुआ हादसा, घायलों का इलाज जारी। दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स शॉप में 15 लाख की चोरी, सेंध लगाकर दुकान में दाखिल हुए थे चोर, रूपनगर की घटना। मुजफ्फरपुर में कोरोना का अटैक, एक साथ मिले 3 कोरोना संक्रमित मरीज, आरटीपीसीआर जांच में पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, लोगों को एहतियात बरतने की अपील। गया में भगवान शंकर के मंदिर की परिक्रमा करता है काला स्वान, लोग मान रहे भैरव बाबा का रूप, लगातार 36 घंटे से शिवलिंग के चारों तरफ घूमता देख लोगों ने लगाए जयकारे, तस्वीरें वायरल कर लोग कर रहे चर्चा।